हाय फ्रेंड्स, आज फिर से आया हूँ। इस सीजन काफ़ी सारे दोस्तों के पास एक प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड, कि अचानक लवबर्ड मीटिंग करते करते अचानक मीटिंग रोक दे रहा है। तो उसी को आज सॉल्व करेंगे, कैसे दोबारा आप आपका लवबर्ड को मीटिंग पे लाएंगे, उसी के बारे में ही आज बताएंगे। अगर आपके पास कोई लवबर्ड मीटिंग करते करते अचानक मीटिंग रोक दिया है तो फ्रेंड, फास्ट आपको एक काम करना पड़ेगा। आप जो मटकी या बॉक्स लवबर्ड को दिए हो उसको पहले आप निकाल लीजिए फ्रेंड, 15-20 दिन के लिए, और फिर से देना होगा फ्रेंड। 15-20 दिन जब हो जाए फिर से देना होगा, तब आप अच्छे से उसमें नेस्टिंग करके फिर से दीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ काम करना पड़ेगा। ये जो आप ब्रीडिंग सीजन में पानी देते हो फ्रेंड, वो पानी में अगर कैल्शियम या कुछ विटामिन दे रहे हो तो उसको भी 15-20 दिन के लिए बंद करना पड़ेगा आपको। 15-20 दिन तक इसको प्लेन पानी देना है फ्रेंड, उसमें कुछ कैल्शियम और विटामिन ना दीजिएगा तो अच्छा होगा। फिर उसके साथ और एक काम करना पड़ेगा, जो सॉफ्ट फूड आप दे रहे हो उसमें 3-4 दिन आपको, ये 15-20 दिन में 3-4 दिन आपको 1 फुट देना है फ्रेंड। अगर ये 5 दिन देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और सॉफ्ट फूड में आपको 5 दिन तक 1 फुट देना ही पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। इससे आपका बर्ड का बॉडी में थोड़ा गर्मी आएगा, वो मीटिंग पोजीशन में आ जाएगा फ्रेंड। और एक काम करना पड़ेगा, जो आप लोग सीड दे रहे हो उस सीड में सनफ्लावर सीड का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा देना है फ्रेंड। सनफ्लावर सीड का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाना है। सॉफ्ट फूड में 4-5 दिन, ये 20 दिन में, 15-20 दिन में 4-5 दिन आपको 1 फुट देना ही होगा। तीसरा, आपको ये जो मटकी है या बॉक्स दिए हो उसको निकल लेना है फ्रेंड। और एक काम करना पड़ेगा फ्रेंड, जब 20 दिन हो जाएगा उसके बाद आप जो मटकी या बॉक्स लगाएंगे उसमें नेस्टिंग थोड़ा ज़्यादा से देना है फ्रेंड, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा से देना है, इसको लगना चाहिए कि ये एक नया, इसको ब्रीडिंग करने के लिए जगह मिला है, बहुत ही अच्छा सा जगह मिला है, तभी ये दोबारा मीटिंग करेगा और अंडा भी देगा फ्रेंड। ऐसे ही फ्रेंड दोबारा से लवबर्ड को मीटिंग पे लाया जा सकता है। मेरे साथ भी कुछ कुछ बार ऐसा हुआ था, मैं उसको चेंज कर लिया हूँ, ऐसे ही चेंज किया था। तो यही नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, आप भी ऐसा करके आपका लवबर्ड को दोबारा से मीटिंग पे ला सकते हो फ्रेंड। तो ऐसा आप 15-20 दिन तक कीजिए, आपका लवबर्ड भी दोबारा मीटिंग पे आ जाएगा और वो अंडा भी देगा फ्रेंड। और 20 दिन हो जाने के बाद फ्रेंड, जब आप उसको मटकी देंगे तब आप उसको पानी में थोड़ा कैल्शियम विटामिन दे सकते हो फ्रेंड। तो ऐसा करके आप कोशिश कीजिए, आपका लवबर्ड भी दोबारा से मीटिंग पे आ जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, यही बताना था आप लोगों को कि दोबारा कैसे आप मीटिंग पे लवबर्ड को ला सकते हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नया दोस्त है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लवबर्ड्स लाइव इंडिया को। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।